सीरियल चंद्रकांता में चल रहा है ड्रामा। जी हाँ, सीरियल में एक मूर्ति के लिए चल रही है लड़ाई। अरे भाई, ये सिर्फ मूर्ति नहीं है बल्कि वीरेंद्र है। दरअसल वीरेंद्र को जादू से मूर्ति में बदल दिया गया है और अब चंद्रकांता जंगल में अपने काफिले के साथ वीरेंद्र को ठीक करने का उपाय निकालने चल पड़ी है। चंद्रकांता और तेज सिंह और चपला, हम सब लोग एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी मदद कर सकता है। वीरेंद्र सिंह ने मूर्ति का रूप ले लिया है और हम उसे ऑब्वियसली ठीक करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए एक शक्तिशाली आदमी की तलाश में हम लोग निकले हुए हैं। सुना आपने, चंद्रकांता एक ऐसे शक्तिशाली इंसान की तलाश में है जो वीरेंद्र को उनके पुराने रूप में ला सके, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उनको ऐसा कोई नहीं मिलता। अब भाई, चंद्रकांता का कोई काम इतनी आसानी से हो जाए ये तो हो नहीं सकता। तभी तो चंद्रकांता के काम में रुकावट डालने वाले गरुड़ सिंह और शिवदत्त पहुँच गए हैं। जहाँ एक तरफ गरुड़ सिंह चंद्रकांता को मूर्ति तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, उसके मन में ये भी बात है कि वीरेंद्र ही एक जरिया है तिलसम तक पहुँचने का। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट। चंद्रकांता कहाँ आई है, किस मकसद से? चंद्रकांता और तेज सिंह और चपला, हम सब लोग एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो हमारी मदद कर सकता है। वीरेंद्र सिंह ने मूर्ति का रूप ले लिया है और हम उसे ऑब्वियसली ठीक करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए एक शक्तिशाली आदमी की तलाश में हम लोग निकले हुए हैं। एंड कोइंसिडेंटली नहीं, एक्चुअली इन अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान, इनफैक्ट क्रूर सिंह और शिवदत्त भी यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सारे जितने नेगेटिव कैरेक्टर वो भी वीरेंद्र को बचाना चाहते हैं। जी, क्योंकि एक्चुअली अब बात ये हो गई है कि सबकी जान उस मूर्ति में अटकी हुई है, क्योंकि किसी को तिलिस्म चाहिए, किसी को चंद्रकांता चाहिए, मेरा वीरेंद्र प्यार है। तो इन सम वे और दी अदर सबको ही उस मूर्ति को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज तिलिस्म तक कोई नहीं पहुँच पाएगा और वीरेंद्र ही ऐसा है जो इस चीज़ को करने में मदद कर सकता है। वैसे फाइनली पूछना चाहूँ कि सारे के सारे इकट्ठा हैं आज, तो कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। आजकल हम पिछले 2-3 दिनों से हम सब लोग साथ में शूट कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली फीलिंग। क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम सब लड़ते रहते हैं आपस में और कोई किसी को पसंद नहीं करता और हम धमकियाँ देते हैं और तलवारें चलाते हैं, बट ऑफ स्क्रीन इट्स अ लॉट ऑफ फन। लाइक यू कैन सी वी आर ऑल सिटिंग चिलिंग एंड शूट भी ऐसे मस्ती से आराम से हो जाता है, तो दिन जल्दी कट जाता है। थैंक यू सो मच।